नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंकार न्यूज में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर और आज की खबर है दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने रात 3 बजे तक रेस्टोरेंट्स के बार को खुले रहने की अनुमति दे दी है। जी हां, रात के 3 बजे तक दिल्ली वासियों को मिलेगी अब शराब ऑफिशियली। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह नाइट लाइफ को बढ़ावा देना चाहती है दिल्ली में। पिछले साल एक पर एक बोतल फ्री शराब देने की योजना को अनुमति दी गई थी और अब रात 3 बजे तक शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है। ये समझना मुश्किल है कि सरकार नाइट लाइफ को बढ़ावा दे रही है या शराब को। दिल्ली सरकार ने राजधानी में देर रात 3 बजे तक बार खोलने की अनुमति देने पर नीतिगत फैसला लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार ने आबकारी विभाग को जरूरी निर्देश दिया है। इसके तहत जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है। एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि अभी तक दिल्ली में रेस्टोरेंट में बार रात 1 बजे तक खुले रहते थे, लेकिन अब 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दे दी गई है। बार खोलने की परमिशन रात 3 बजे तक दिए जाने के बाद आबकारी विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर काम किया जाएगा। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है, लेकिन इसके बाद भी नुकसान ही हुआ है क्योंकि आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार समय में बदलाव नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली सरकार को इसकी मांग पहले भी कर चुके थे, लेकिन इस बार अनुमति दे दी गई है 3 बजे तक खोलने की, क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई थी और सरकार ने अनुमति देने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस निर्णय से कई सवाल उठते हैं कि क्या इस निर्णय से लोगों का कोई फायदा है या सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बार्स को पैसा बनाने का एक मौका दिया जा रहा है और टैक्स के जरिए खुद सरकार को फायदा दिया जाएगा। क्या लोगों के स्वास्थ्य और सेफ्टी के बारे में सोचा जा रहा है? हालांकि दिल्ली के लोगों का इस पर मिक्स रिएक्शन देखा गया है। अब देखना ये होगा कि 3 बजे तक वाले रूल से कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। जानने के लिए बने रहे पंकर न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद जय भारत।